हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम साय राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अकार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आज के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। आज के लिए, अभी के लिए, जो भी परिस्थिति चल रही है जिसको लेकर आप परेशान हो या परेशान नहीं हो, जस्ट आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ मैसेजेस चाहिए जिसके जिसकी हेल्प से आप आगे बढ़ सको, या आपको समझ आए कि जो आप कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट आपको मिलने भी वाला है, दिखने भी वाला है, या फिर नहीं। ओके, सो ये आज का टॉपिक है और हम देखेंगे क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में आपके लिए। तो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, सबसे पहले मैं आपके सामने कार्ड्स रख देती हूँ। पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, ग्रुप आप टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हो। आपके बर्थ डेट के आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो और फिर रीडिंग देख सकते हो। वैसे अगर आप मुझसे पूछे, मैं सलाह यही दूंगी कि बेहतर होगा कि आप अपनी इंट्यूशन का यूज करें एंड फिर जो यहाँ पर मैं कार्ड्स रखती हूँ उनमें से एक कार्ड या दो कार्ड्स सिलेक्ट करें। ओके, चलिए तो पहला कार्ड आपके लिए जो है वो निकल कर आता है सन का, द सन, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा कार्ड है आपके लिए द लवर्स, एंड तीसरा कार्ड आपके लिए रहेगा ओके स्ट्रेंथ। तो ये तीन कार्ड्स हैं, इनमें से एक या दो कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं और फिर आपने देखनी है आपकी आज की रीडिंग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका या फिर वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से इन पर मेडिटेट करिए और फिर एक या दो कार्ड्स आप चूज करिएगा जिनसे आपको लगता है कि अट्रैक्शन सा महसूस हो रहा है या जिनकी एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच रही है, जिन कार्ड्स की एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है, तो वो कार्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा। सो रीडिंग हम शुरू करेंगे। गाइस, इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कनेक्ट होना है तो मेल आईडी है, और अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए या कोई भी क्रिस्टल का आइटम जैसे पिरामिड, ब्रेसलेट्स या इयर रिंग्स या पेंडेंट कुछ भी चाहिए, वेबसाइट पर मिलेगा। पेड पर्सनल रीडिंग्स, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, उसकी सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सन के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं क्या है मैसेज आपके लिए। मैंने कम से कम तीन डेक्स लिए हैं, तो तीनों से रीडिंग करूंगी मैं, अलग अलग डेक्स हैं। सो लेट्स सी क्या एनर्जी निकल कर आती है, कार्ड्स क्या बताते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन वी हैव टेम्परेंस, एम्परर, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके,
फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फूल, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, the target, safe and happy travel. इस डेक से है हमारे पास मेकिंग अ डिफरेंस, एक्सेप्टिंग व्हाट इज, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन. ओके सो एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स. वाओ, तो जिन्होंने भी सन का कार्ड चूज किया है सिचुएशन उनके सामने कुछ ऐसी है कि अगर जो परिस्थिति उनके सामने है या जो रास्ता उनके सामने है वो उस पर आगे बढ़ते हैं या जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये उनके लिए एक तरीके से रिस्क है, एक बड़ा रिस्क. ये कुछ भी हो सकता है. मान लीजिए कि आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, अब फाइनली किसी कंपनी से आपको मेल आया है और आपको बुलाया गया है कि भाई आपका सिलेक्शन होता है और आप कल से आ जाइए जॉब के लिए. या फिर मान लीजिए कि आप कई सालों से कोई बिजनेस करना चाहते थे और आपका ये था कि कोई तो पार्टनर मिले जिसके साथ आप बिजनेस शुरू करो क्योंकि अकेले नहीं कर पाओगे या फिर अकेले करना नहीं चाहते. हो सकता है किसी ने आपको सलाह दी हो कि जब भी आप कोई बिजनेस करो किसी का साथ लो, अकेले मत करना वरना सक्सेस नहीं मिलेगी. तो फाइनली वो व्यक्ति आपको मिला है, ठीक है. या फिर ये रिलेशनशिप हो सकता है कि अभी तक आप चाहते थे कि कोई तो आपकी लाइफ में आए और जब फाइनली कोई आया है तो अब बात ऐसी हो रही है कि जल्दी जल्दी इसको रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है. बट तीनों ही जो मैंने आपको बताए हैं, परिस्थितियां बताई हैं, सिचुएशंस बताई हैं, उनमें आपको रिस्क लग रहा है. अगर बिजनेस की बात करूं तो वहां पर आपको लग रहा है कि ये कुछ ऐसा होगा कि या तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा या फिर ऐसा होगा कि जो आपके पास है वो भी चला जाएगा. या जॉब के लिए अगर मैं बात करूं तो ऐसा होगा कि इस कंपनी में जाकर आप कुछ बड़ा कर पाओगे, आपकी किस्मत पलट जाएगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ जाएगी. या फिर ऐसा होगा कि जो अभी आपके पास है वो भी नहीं रहेगा. हो सकता है ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपसे पूरा पूरा दिन काम लिया जाए. अगर ऐसे देखा जाए तो लगता है कि हाँ इतनी बड़ी कंपनी है और मैं ग्रो करूंगी या करूंगा, बट एट द सेम टाइम लगता है कि फिर मेरी हेल्थ का क्या या मेरे जो और सारे सपने हैं उनका क्या. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसी में पिस जाऊं और बाकी का जो मैंने सोच कर रखा है, प्लानिंग करके रखी है, वो कभी पूरी ही ना हो पाए, राइट. क्योंकि जब भी हम जॉब करते हैं हम बंद जाते हैं पूरी तरीके से, हम सभी जानते हैं, है ना. और बिजनेस में क्या होता है कि हम बंधते नहीं है, मतलब किसी के अंडर नहीं होते,
लेकिन वहां पर रिस्क बहुत बड़ा होता है, राइट? ऐसा। और वहीं अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो वहां पर भी आपको ये लग रहा है कि क्या आप संभाल पाओगे। मान लो अगर आप इसमें आ भी जाते हो, रिलेशनशिप में आ भी जाते हो, क्या इसको आप आगे ज्यादा लंबा खींच पाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीच में ही खत्म हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बैलेंस ना कर पाओ? ये चीज सबसे बड़ी समस्या है कि बैलेंस कर पाओगे या फिर नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में आना, स्पेशली अगर आप एक मेल हो, तो आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां बन जाती हैं कि आप किसी पार्टनर को लेकर आ रहे हो। सी, भले ही लड़का और लड़की दोनों ही अर्न करते हो, लेकिन लड़के को हमेशा बोला जाता है कि जिम्मेदारी आपकी है। लड़की को अगर बोलते भी हैं तो उस चीज को सोसाइटी थोड़ा गलत तरीके से देखती है। मतलब बोल रहे हैं कि भाई लड़की की जिम्मेदारी है, लड़की ही संभाले, लड़का नहीं करेगा, ऐसे बोल देते हैं, कई बार मैंने सुना है, बट उसको गलत ही बोलते हैं। और ये सही बोलते हैं कि लड़का ही सारी जिम्मेदारी निभाए, ठीक है? अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या चीजें होती होंगी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, सो मैं बोल रही हूं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो काम कर पाना, रिश्ते को भी चला पाना। तो ऐसा तो नहीं कि अभी जो लाइफ है वो ठीक ठाक चल रही है, बाद में अगर आप इसमें पड़ते हो तो और ज्यादा उलझ जाओ। ये चीज तो ये कहीं ना कहीं माइंड में आपके चल रहा होगा कि ये रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? गाइडेंस गाइज आपके लिए ये है कि क्या ये कनेक्शन या क्या ये बिजनेस प्रपोजल या पार्टनरशिप या फिर जॉब आपकी, जो आप जिस कंपनी में जा रहे हो, वो क्या ये आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है? यहां पर क्लियरली आपके लिए बोला गया है कि आपका सोल पर्पस है लोगों की हेल्प करना, लोगों को गाइड करना, उनको दिशा दिखाना। और जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, जब जब जो जो करने के लिए वो करना। जैसे आपने मुझे कई बार देखा है, मैं चैरिटी करती हूँ, आप लोगों की हेल्प लेती हूँ, आप लोगों, बेशक आप लोगों के हेल्प से ही हो पाता है, अदरवाइज तो नहीं हो पाए, ये करती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें करती हूँ जो मैं यहाँ पर चैनल पर शेयर नहीं करती, क्योंकि शेयर करने जैसा कोई मतलब नहीं बनता, बिन वजह क्यों शेयर करना। चैरिटी का इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होती है, बाकी जो चीजें मैं पीछे पीछे कर रही हूँ उसमें इतनी हेल्प की नीड नहीं है, तो मैं अपने दम पर कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, ठीक है? तो कैसे करती हूँ, मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि भाई ठीक है, एज अ हीलर अब मुझे ये करना चाहिए। चैरिटी है वो अलग है, और भी कुछ चीजें हैं, तो वो मेरी इंट्यूशन ही बोल रही है कि ठीक है, वहां पर तुमने ये किया, अब यहां पर ये करो, ठीक है? एनिमल्स के लिए या किसी भी ऑर्फेनेज है या ओल्ड एज होम है या इससे अलग भी चीजें हैं, जहां पर जो भी मैं कर रही हूँ वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए कर रही हूँ। कुछ छोटे छोटे काम है, कुछ बड़े बड़े काम है ना, जो भी कर रही हूँ, कर जैसे भी कर पा रही हूँ मैं उसको फॉलो करके कर रही हूँ। अब उसमें कई बार मुझे प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई बार मेरी हेल्थ पर भी असर पड़ जाता है, बट फिर से हीलिंग हो जाती है, क्योंकि वही ना कि यूनिवर्स देखती है, यूनिवर्स हमसे चाहती है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, उसके बाद हमारे सामने जो दिक्कतें आती है वो यूनिवर्स देखती है, ठीक करती है, ऐसे चलता रहता है। तो आपको वही देखना है कि आप जो भी करने का सोच रहे हो, रिस्क लेने का सोच रहे हो, क्या ये आपके सोल पर्पस से जुड़ा है? अब अगर आपको पता नहीं है कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो पहले तो जाकर सोल पर्पस वाली वीडियो देखो, नहीं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लो, नहीं तो आप अगर मेडिटेशन करते हो ना, तो आपको समझ आ जाता है एक टाइम के बाद खुद कि आपका सोल पर्पस क्या है। और मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, तरीका बेस्ट है, लेकिन वही है कि आप मेडिटेशन फिर अच्छे से करो। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि जस्ट ध्यान लगा के कुछ ओम वगैरह बोल के वो हो गया, मन शांत करना है। मेडिटेशन से मेरा मतलब है आप खुद को जानो, समय निकालो और समझो एग्जैक्टली आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है, बताना चाह रही है, बोलना चाह रही है। और ये हम में से बहुत ही कम लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि हम सब में ना एक वो, आज का टाइम ऐसा है कि सभी हड़बड़ी में है, हमें पढ़ना है, हमें लिखना है, हमें जॉब चाहिए, हमें कमाना है, ढेर सारा पैसा हो, शादी हो, फैमिली हो, तब जाके हम परफेक्ट हैं। मतलब समाज में ऐसा हो गया है कि ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको हम संपूर्ण कहेंगे, अदरवाइज आप बेकार हो, आप अधूरे हो। मैंने कई लोगों को इसी वजह से डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। मेरे पास आते हैं लोग काउंसलिंग के लिए और बोलते हैं कि हमें शादी नहीं करनी,
लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये है कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, पास पड़ोसी क्या कहेंगे, बेटा तुमको शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम शादी नहीं करोगे तुम्हारे लिए बोलेंगे और साथ साथ हमारे लिए भी बोलेंगे कि कैसे पेरेंट्स हैं बच्चे की शादी नहीं करी। अब बच्चा भले ही तैयार है नहीं है, सोसाइटी को ज्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब वो शादी करवा देंगे और शादी के बाद अगर बाई चांस उसका नेचर ऐसा नहीं है कि वो किसी शादी को संभाल पाए, उसको अकेला ही रहना था और उस वजह से कोई दिक्कत आती है, तो कोई भी नहीं आएगा उसका सोल्यूशन देने, सब भाग जाएंगे, सिर्फ शादी में रसगुल्ले खाने आते हैं और कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें चलती हैं, राइट? और आई थिंक ये सबको पता होगा। सो कहने का मतलब ये है कि आप मेडिटेशन करिए, आप जानिए आपको करना क्या है लाइफ में, ठीक है? और उससे आपका सोल पर्पस आपको समझ आएगा। तो मैंने वही आपको 3 से 4 रास्ते बता दिए, या तो आप रीडिंग ले लो, या फिर आप वीडियो देख लो, या फिर आप मेडिटेशन करो और जानो आपका सोल पर्पस क्या है। क्यों मैं क्यों इस पर इतना जोर दे रही हूं, क्योंकि ये हम सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम अपने सोल पर्पस को जान गए, अगर हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये जो कंफ्यूजन अभी है ना, या डर है, या ये डर क्यों है, असफल होने की वजह से, राइट? दुख झेलने की वजह से, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे गलत फैसला हो जाए और फिर हमें तकलीफें भोगनी पड़े। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए आपको आपका सोल पर्पस पता होना चाहिए और आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसे फॉलो करोगे, ये सब कुछ आप कभी फेस नहीं करोगे। जो आप बोलते हो ना कि यार ये वो देखो वो हमेशा खुश रहता है, वो देखो हमेशा खुश रहती है, तो वो हमेशा खुश रहने वाले आप भी बन जाओगे अगर आपने अपना सोल पर्पस समझ लिया और उसको अच्छे से फॉलो किया। ओके? सो यहां पर गाइडेंस आपके लिए यही है, इंटेंशन को सुनो और ये समझने की कोशिश करो कि आगे जो आप रिस्क लेने जा रहे हो, जो आपको रिस्क लग रहा है, क्या वो आपके सोल पर्पस को पूरा करता है। अगर ये रिस्क आपके सोल पर्पस को पूरा करता है, उसमें हेल्प करता है, जैसे कोई कनेक्शन या कोई आपका काम अगर वो उसमें हेल्प कर रहा है, तो आप ये रिस्क ले लो, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। भले ही सिचुएशन ऐसी लग रही हो कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मिरेकल्स होंगे। और एक कार्ड आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, कल्टीवेटिंग प्रोस्पेरिटी। सो अबंडेंस आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट आपको देखना है कि क्या ये रिस्क आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। जैसे कि अगर आप किसी से शादी करने वाले हैं या किसी के साथ में रिलेशनशिप में आने वाले हैं, आप देखो कि सामने वाला बंदा या बंदी क्या आपके, अगर आप लोगों की हेल्प करते हो, अगर वैसे ही हो जैसे मैं कर रही हूं, तो क्या वो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करता है, या क्या वो व्यक्ति आपको हेल्प करता है इसमें और ज्यादा कुछ अच्छा करने के लिए। अगर मैं किसी से जुड़ना चाहूंगी, तो मैं ऐसे व्यक्ति से जुड़ना चाहूंगी जो कि जब जैसे मैं चैरिटी वगैरह कर रही हूं, तो वो मुझे और नए नए आइडियाज दे कि मैं कैसे लोगों तक पहुंचूं, कैसे लोगों की हेल्प करूं, चैरिटी के अलावा मैं किस तरीके से लोगों को हील कर सकती हूँ। मे बी मेरे माइंड में कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, वो मुझे बताए, वो मुझे मोटिवेट करे जब मैं कभी थोड़ी सी कमजोर पड़ूं या मैं हर्ट हो जाऊं। जैसे बहुत से लोग हैं, मुझे कई बार कमेंट में बातें सुना देते हैं, तो वो मुझे हील करे उस वक्त। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी, मतलब मैं ऐसे व्यक्ति को चाहूंगी जो मुझे ऐसे टाइम पर बोले कि देखो सुरभि, तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना है, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और तुम आगे बढ़ो, और आई एम विद यू, और मैं तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ कि तुम किस तरीके से इसमें और अच्छा कर सकते हो, ठीक है? तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढूंगी, चाहे रिलेशनशिप की बात हो चाहे फ्रेंडशिप की बात हो, ठीक है? यहाँ पर फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ऐसे व्यक्ति से फ्रेंडशिप मैं करना चाहूंगी। या अगर मैं जो काम भी कर रही हूं अपना, तो उसमें भी हीलिंग है, और जो मैं जॉब कर रही थी, जब इससे पहले जॉब कर रही थी, तब वहां पर भी मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी, तो ये सोचकर नहीं पढ़ाती थी कि मेरी यहां पर जॉब है मुझे सैलरी मिलेगी, नहीं, मैं उनको ऐसे ही सोचकर पढ़ाती थी कि ये बच्चे आगे चलकर अपना और इस देश का भला करेंगे। तो जब भी मैं उनको पढ़ाने बैठती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे ध्यान में नहीं रहता था कि पूरा जो 1 घंटा है हो गया कंप्लीट, और बच्चे भी बहुत इंजॉय करते थे, क्योंकि बच्चों को भी बुक्स में ही घुसना पसंद नहीं होता, उनको अच्छा लगता है कि उनका जो गुरु है, उनके जो टीचर हैं, वो बोलकर चीजें उनको समझाएं। तो मैं घर से सब कुछ प्रिपेयर करके फिर नेक्स्ट डे जब जाती थी, तो क्लास में भी बोल बोल कर समझाती थी, तो उनको सुनने में मजा आता था। तो वही जो बच्चे शोर करते हैं ना, चिल्लाते हैं, वो नहीं करते थे वहां
ऐसा हो जाता है। तो आप जो भी काम करो वो सोल पर्पस से जुड़ा हुआ करो, तो उसमें आप रिस्क लोगे तब भी आपको कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ देगी ही देगी। ओके, यस। सो ये आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइडेंस है, और आप बेफिक्र रहें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और अगर अभी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हाँ हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमें डर लग रहा है, तो वो सोल पर्पज से जुड़ा हुआ, लेकिन हमें डर लग रहा है सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जरूर। अगर पहले नहीं भी मिली है, आप ट्राई करते रहो, गिव अप मत करो, आपको सक्सेस मिलकर ही रहेगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि मैंने अच्छे से सारी बातें आपको समझाई हैं, एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आया है, अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है, जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड सत्यविद सातकी पर भी रहें, वहां पर भी वीडियोस लेकर आ रही हूं मैं, तो वहां पर क्या मुझे इम्प्रूव करना है वो भी मुझे बताइएगा। ऑलराइट गाइस, फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द लवर्स के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं आज के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो 2 से 3 डेक्स हैं मेरे पास, उससे आपकी एनर्जी देखेंगे और मैसेजेस भी हम देखेंगे, ओरेकल कार्ड्स भी हैं, सो डोंट वरी। जजमेंट स्टार, 2 मेजर अरकानास आए हुए हैं आपके लिए गाइस, जजमेंट एंड स्टार। ओके, डेथ, बाप रे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। यहां से देखते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोल्स। ओके, क्वीन ऑफ सोल्स, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, ओके, एंड देन वी हैव ओ लर्निंग लाइफ लेसन्स। यहां से देखते हैं क्या है। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर,
ओके, बीइंग इन द फ्लो, launching your journey, I meant better of my journey. Okay. रिन्यूइंग योर लाइफ. ओके, सो जिन्होंने भी द लवर्स के कार्ड को चूज किया है, सबसे पहले तो वो लोग बड़े बदनाम हैं. सीधी बात करने के लिए आप ऑनेस्ट हो चीजों को लेकर और आप सीधा ही बोल देते हो, मतलब जो आपको नजर आता है वो आप सीधा वैसे ही रख देते हो लोगों के सामने, और इस बात की वजह से आई थिंक बड़ी बुराइयां होती हैं आपकी. आपके मम्मा से भी आपकी बहुत कम ही बनती होगी जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रिस्टेस भी है, डेथ भी है, तो माँ के साथ में बहुत अच्छे संबंध हो सकता है आपके ना हो. एंड उसकी भी वजह कहीं ना कहीं यही है कि उनको लगता होगा कि आप बहुत बोलते हो ऐसा, और बाहर भी ऐसा हो जाता है. सिचुएशन ऐसी है कि जिसके लिए आप अच्छा सोचते हो, जिसके लिए अच्छा करते हो, एक टाइम के बाद वो भी कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ से निकाल देता है, और रीजन यही दे देते हैं वो कि आपको बोलने का तरीका नहीं है, आप रिश्तों को संभालना नहीं जानते, या कुछ ऐसा, या बहुत एरोगेंट हो, बहुत बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, मतलब बहुत पैसा वैसा आपको बहुत चाहिए, मे बी ये इमेज आपकी बनती हो. जबकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे कि ये तो नीड है, अगर मैंने कहा कि मुझे पैसा चाहिए तो ये गलत कहाँ है, मतलब मैं तो मेहनत का पैसा बोल रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ कि किसी को किडनैप कर लो और पैसे फिर लूट लो, ये तो नहीं कह रही. मैं तो ये कह रही हूँ कि मेहनत करो, या ये कह रहा हूँ कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसा जरूरत है भाई, हम क्यों किसी के सामने हाथ फैलाएं. अगर हमको एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो मेहनत करो, कुछ वैसा हो सकता है. लेकिन लोग आपको उस कैटेगरी में रख देते हैं कि इसको पैसा चाहिए और इसको और कुछ नहीं चाहिए, ना इसको किसी से प्यार होता है, ना किसी के लिए इमोशंस हैं, इसको कुछ फील नहीं होता है, बस इसको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, और बहुत ही रूड है, एंड किसी रिश्ते को संभाल नहीं सकती या संभाल नहीं सकता. या किसी की हेल्प करते हो तो उससे भी कोई ना कोई मनमुटाव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे लोगों के बीच में बहुत फंसते होगे, जैसे कि मान लो दो लोगों की आर्ग्यूमेंट्स हो, दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, और आप वहां पर बीच में गए उन लोगों का जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको खत्म करने के लिए, और पता चला कि दोनों आपसे ही लड़ने लग गए और उन दोनों का यूनियन हो गया, ठीक है? तो मे बी ये चीज बहुत होती हो आपके साथ. क्योंकि सी यहां पर डेथ के ठीक बाद में नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, विच मीन्स कि जो हीलिंग आप दूसरों को देते हो ना, उस हीलिंग से उनका जो बिगड़ा काम है वो ठीक हो जाता है, और उनकी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आप तक उल्टा, जो बैकफायर कहते हैं ना, वो हो जाता है, आप पर हो जाता है, कुछ ये इस तरीके से है. और इस सब की वजह से कुछ चीजें हैं जो रिपीट भी होती रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप काफी आपका डीप था एंड ट्रस्ट था आपको बहुत ज्यादा उस व्यक्ति पर, बट उस व्यक्ति ने कुछ कहे बगैर या फिर मे बी कोई ऐसा रीजन रख के जिसका कोई मतलब नहीं बनता, आपको अपनी लाइफ से बाहर किया, जबकि उसके सारे खर्चे आप ही उठा रहे थे, सारी जिम्मेदारियां आप ही ले रहे थे, उसके बाद भी आपको आउट कर दिया गया, वैसा हो सकता है फिर वापस से कई बार हुआ हो, दो तीन बारी, एंड मे बी अभी भी वही सिचुएशन हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर फोर ऑफ कप्स के साथ में नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मे बी ये चीज हो.
और इस सब के चलते आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ स्टक है, आगे बढ़ ही नहीं रही। आप काफी हद तक बड़े अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजों को, टेक्निक्स लगा रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आप रुक गए हो या फिर चीजें पीछे पलट रही हैं। मतलब एक तो रुकना हो जाता है पूरी तरीके से, जहां हो वहीं रह गए, और एक होता है कि जो पीछे बिगड़ गया था उससे कहीं ना कहीं आप बाहर आए और इतने स्टेप्स आगे चलकर आपने खुद को हील किया, हीलिंग करी और आगे बढ़ रहे थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पीछे से पकड़ के फिर से किसी ने आपको खींच लिया कि नहीं वापस उसी पेन में आ जाओ। जैसे आप किसी दलदल में थे, उस दलदल से निकले, कुछ कदम आगे चले, आपको खुशी हुई कि ओके फाइनली मैं इससे बाहर निकल रही हूं या निकल रहा हूं, और तब तक फिर से किसी ने आपका पैर पकड़ा और खींच लिया उसी दलदल में। तो ये हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपके साथ, और आपको लग रहा है कि आप अब कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कोई तो आपको पीछे पकड़ के खींच लेगा। बट मैसेज आपके लिए ये है आज का कि ये देखने में आपको लग रहा है कि आपको पीछे पकड़कर खींचा जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो। और मुझे पता है जब मैं ये बात बोल रही हूं तो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि अरे मैम, अरे दी, क्या बात बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। बेशक वो चीजें अभी सामने से ऐसे देखोगे तो यही लगेगा कि आप जहां थे या तो वहीं हो या पीछे जा रहे हो, लेकिन अगर आप यूनिवर्स की नजर से देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा रही है। मे बी फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। अब ये जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको समझ आएगा कि जब पहले यही चीज हुई थी उस वक्त आपकी मेंटल कंडीशन क्या थी, उस वक्त इमोशनली आप कितने वीक थे और अभी क्या है हाल फिलहाल में। ओके, तो वो आपको समझना पड़ेगा। आप चाहे तो डायरी में भी लिख सकते हो, ठीक है। मेरे लिए गुड न्यूज है, आई मीन मैं आपको गुड न्यूज दे सकती हूं कि भाई आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये देखिएगा, ये लड़की आगे की तरफ बढ़ रही है, इस डोर से निकल रही है। तो आपको ऐसे देखने में लगेगा कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो, लेकिन आप पीछे की तरफ नहीं जा रहे। ये कुछ चीजें हैं जो आपके साथ बार बार रिपीट हो रही हैं, बट अचानक से आप देखोगे किसी एक दिन या किसी एक हफ्ते में आप झट से इस पार से उस पार हो गए, ऐसा होगा। और आपको लगेगा कि यार मैं बिन वजह इतना परेशान हो रही थी या परेशान हो रहा था कि ये क्या है। जितनी भी तकलीफ, जितनी भी परेशानी है ना, उनको भूलने में आपको मुश्किल से 10 दिन लगेंगे। ये सच है, क्योंकि आगे चलकर जो खुशियां आपको मिलने वाली हैं या ये जो अबंडेंट माहौल जो आपको मिलने वाला है, उसकी वजह से ऐसा होगा कि भले ही बचपन का आपका ट्रॉमा हो, वो 10 से 12 दिनों में ही खत्म हो जाएगा। और मैंने ऐसा होते हुए देखा है, पता है ये होता है। सो आप कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रहे हो, और आपको बोला ये गया है कि यूनिवर्स अभी जो भी दिखा रही है ना, वो आप देखते जाओ और बढ़ते जाओ। मतलब कि अगर आपको ये लग भी रहा है ना कि आपको किसी ने पीछे खींच लिया, कोई बात नहीं, आप फिर से आगे बढ़ो। और मुझे पता है कि ये थोड़ा सा पेनफुल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, रास्ते खुल रहे हैं और आप बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हो। ऐसे कई बार मुझसे ये सवाल होता है कि दी हमें बता दीजिए कि हम जो कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं या जैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो सही है, क्या हमने सही दिशा पकड़ी है। अगर आपका ये सवाल है तो मेरा जवाब है यस, ठीक है। कुछ 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 चीजें ऐसी हैं जो आपको बदलने की जरूरत है आप में। जैसे कि मैंने कहा कि लोग आपको थोड़ा एरोगेंट समझते हैं, थोड़ा रूड बोलते हैं, और वो काफी हद तक, सही, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रूड हो, लेकिन हाँ बोलने का तरीका थोड़ा सा है, मतलब थोड़ी कड़वाहट सी आ जाती है। आपका इंटेंशन अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस के साथ में स्टार का कार्ड है, विच मीन्स आप चाहते हो कि लोगों का भला हो, इसलिए आप बोलते हो, लेकिन बोलने में ना थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी आ जाती है। अब अगर आप फीमेल हो और आप पर मैस्कुलिन एनर्जी हावी होती है, तो ये चीज किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। अब ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। वही बात अगर कोई मेल बोलेगा तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो लड़का है, अरे ये तो आदमी है, ये मेल है।
लेकिन अगर उसी तरीके से लड़की बात करेगी ना तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो अभी आप देख लो कि क्या है। और अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो कुछ कुछ जगहों पर आपसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू नो अल्फा मेल ना बने आप ऐसा, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया है वो ये कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन सारी चीजों को आपकी लाइफ से बाहर निकाल रही है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, टॉक्सिक है। अब आपका पता है, आपका एक नेचर और भी है, मैंने देखा यहाँ पर सारे कार्ड्स में देख रही हूँ ना, उसे समझ आ रहा है कि जब भी आप किसी से लगाव रखते हो या जब भी आप किसी का भला करना चाहते हो ना, आप पूरी लाइफ जैसे ना अपनी डेडिकेट कर देते हो। मतलब आपके दिन का पता नहीं, रात के पता नहीं, खाने पीने का पता नहीं, आप ऐसे उसको अपनी लाइफ दे देते हो जैसे आपको अपनी लाइफ की कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ उसी पर न्योछावर, और यहीं पर गलती हो जाती है। तो मे बी यूनिवर्स आपको बार बार वो रियलाइज करवाने की कोशिश करिए कि ये मत किया करो। आप कितना भी किसी के लिए करोगे और जिस दिन आपने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कुछ बोल दिया या थोड़ा भले ही आपका इंटेंशन अच्छा, आप सामने वाले का अच्छा सोच रहे हो, फिर भी सामने वाला सब कुछ भूल जाएगा। आपने जो भी अच्छा किया है सब कुछ भूल जाएगा। तो आपको ना इससे बाहर निकलना होगा, और इसलिए भी आपको काफी ज्यादा तकलीफ होती है कि यार मैंने इतना सब कुछ किया, अगर एक बात बोल दी तो क्या हुआ, और बोला तो मैंने अच्छे के लिए, लेकिन वो अच्छे के लिए बोला, अच्छे ढंग से नहीं बोला तो वो सब बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती है कि आप समझो। अब बार 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 वही काम करते हो इसलिए भी कोई और खींचता नहीं है, यूनिवर्स ही आपको खींच लेती है कि देखो समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। खैर वो खींचने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो बस आपको समझा रही है कि अरे ये चीज रहेगी। जैसे हम घर से निकलते हैं ना, तो कई बार अगर हम कोई सामान भूल जाते हैं तो हमारी मम्मा या हमारे जो भी घर में मेंबर्स हैं वो आगे पीछे से बोलते हैं, अरे अरे बैग भूल गई, अरे अरे मोबाइल भूल गई, अरे अरे घड़ी भूल गई, राइट। तो वो चीज होती है, क्योंकि अगर हम वो भूल जाएंगे और आगे निकलेंगे तो हमें ही दिक्कत होने वाली है, और हमें क्या लगता है, अरे पीछे से हमें बुला दिया, टोक दिया, है हमारे अच्छे के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। ओके ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है स्ट्रेंथ कार्ड को तो चलिए देखते हैं आज के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं और क्या है आपके लिए गाइडेंस। जस्ट मिनट गाइज। ओके स्ट्रेंथ। Queen of Wands, Ace of Cups, okay, Nine of Swords, High Priestess, Ten of Cups, okay. Two of Cups, Ten of Swords. Ace of Pentacles, Page of Wands.
फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थ्री रेज ऑफ लाइट, बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हार्मनी। हीलिंग। ओके। इनसाइट। वेरी गुड। आई ओपन माई सोल टू ग्रेस। Accepting what is, flying free. I see only beauty and grace. Okay. Okay, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, आई थिंक काफी अच्छी पोजीशन पर हैं, सक्सेसफुल हैं लाइफ में, फाइनेंशियली काफी अच्छा कर रहे हैं एंड बढ़िया है। जो मतलब जो अचीव करना चाहते थे वो ऑलमोस्ट मिल गया है। और आपने पोजीशन भी काफी अच्छी बना रखी है सोसाइटी में। पता नहीं, बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी आप कोई सेलिब्रिटी हो हाँ, या यूट्यूबर हो, व्लॉग्स वगैरह बनाते हो। बहुत अच्छी एक पहचान आपने बनाई हुई है, लोग जानते हैं आपको, बहुत पसंद करते हैं। तो रीडिंग आप किस लिए देख रहे हो? रीडिंग आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि सब कुछ है अभी, लेकिन सच्चा प्यार नहीं है। या जो हम बोलते हैं ना, ट्रू सोलमेट, ट्रू लव, वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग पसंद नहीं करते, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो जो अनकंडीशनल लव होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रहा। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों उनसे, चाहे जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, किसी को ढूंढ रहे हो, तो लोग वही आते हैं आपके पास जो कि आपकी पोजीशन को जानते हैं जिनको पता है कि आप क्या हो या कितना अर्न करते हो। अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो जो लड़कियां आती होंगी वो बेशक ये देखने की कोशिश, जानने की कोशिश करती होंगी कि आपके पास क्या बंगला है, गाड़ी है, या कितना आप अर्न कर लेते हो। अगर बिजनेस है, जॉब है, तो सैलरी क्या है, पोजीशन क्या है, इसके अलावा आप क्या कर रहे हो। और इससे मतलब कम होता होगा कि आपका नेचर क्या है, या लुक्स पर जाती होंगी। अगर आप लड़की हैं तो हाँ, अगेन जो लोग, जो लड़के आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने अच्छी खासी पोजीशन अपनी बना ली है, दैट्स वाई। जानने की ये कोशिश नहीं करते हैं कि आपको, आप आपका नेचर क्या है, मतलब सोल टाइप आपका क्या है। हाँ, आपकी पोजीशन ऐसी अट्रैक्ट हो जाते हैं,
रिलेशनशिप की बात करते हैं और वो चीज़ आपको खल जाती है क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप समझ जाते हो कि सामने वाला क्यों आपसे बात कर रहा है, और ये काफ़ी पेनफुल है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके जो रिलेशनशिप्स रहे हैं 2 से 3 आई थिंक, तो ये आपने बहुत फेस किया है उसमें कि शुरू शुरू में बहुत प्यार था, धीरे धीरे करके वही होता है ना कि आप कितनी भी अच्छी आपकी पोजीशन हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो जब आपकी आप रिलेशनशिप में आ जाते हो या शादी आपकी हो जाती है और अगर सामने वाला आपको सच में प्यार नहीं करता, सिर्फ अट्रैक्शन था, तो एक टाइम के बाद फिर वो जाता है, हम सभी जानते हैं, चला जाता है वो चीज़, तो फिर बहुत अकेलापन महसूस होता है, राइट? तो मे भी आपने वो चीज़ भी फेस करी हो। सो ये सब कुछ कहीं ना कहीं आप अभी भी फेस कर रहे हो, आपने पहले भी फेस किया है, आप बस एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, वो हैप्पी फैमिली आपकी नहीं बन पा रही, ये है। सो गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या है आपके लिए? मैसेजेस गाइज आपके लिए ये हैं कि इस सब के चलते आपके अंदर की जो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन या शिव शक्ति जो एनर्जीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं डावाडोल हो गए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करो एंड कोशिश करो जो लाइफ आपको मिली है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने की, उसको चेंज ना करने की। मान लीजिए कि अभी आप सिंगल हो और अभी हाल फिलहाल में आप किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये जो आपका सर्च मोड है ना, आप इसको बंद कर दो, आप किसी को भी ढूंढना बंद कर दो। और जो लाइफ अभी आपको मिली है, मतलब आपका ये सिंगल हुड है, तो आप इसको एंजॉय करो, इसको एक्सेप्ट करो, इसको सेलिब्रेट करो। और सिंगल रहने पर जो सिंगल रहने के जो बेनिफिट्स हैं ना, उनको समझकर उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करो। जिनकी शादी हो गई है या जो लोग कमिटेड हैं उनसे बात किया करो, ठीक है? ये बहुत अच्छा तरीका है। आप जब उनसे बात करोगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि क्या क्या डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे आपको समझ आएगा कि अभी आप सिंगल हो ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि उनकी डिफिकल्टीज सुनने के बाद में आप कभी शादी मत करो या कमिटमेंट में ही, मतलब रिलेशनशिप में ही मत जाओ, जाना जब जब हो जाएगा ये, मतलब यूनिवर्स किसी को भेज देगी ना, तो आप उसको भी सेलिब्रेट करो, हर एक चीज को सेलिब्रेट करो, हर रंग को एंजॉय करो। होली में सारे रंग खेले जाते हैं, है ना? तो बस वही है, 7 रंग है, 7 रंगों को सेलिब्रेट करो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे रुक जाओगे, लेकिन अभी क्योंकि सिंगल हो तो इसको एंजॉय करो। तो जब आप उनको सुनोगे ना कि वो कितने कई बार परेशान हो जाते हैं रिलेशनशिप के चलते या शादी के चलते, तो आपको ये वाली एनर्जी अच्छी लगेगी, आपको लगेगा कि आप मुक्त हो, आपको लगेगा आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, किसी की वजह से आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है। और अगर कल को कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जिससे जिसे देखकर आपको ये लगता है कि भाई हाँ, ये वो व्यक्ति है जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे अनकंडीशनल लव दे रहा है या दे रही है, तो उसके लिए फिर छोटी मोटी दिक्कतें होंगी तो हम उनको फेस कर लेंगे, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है? लेकिन जब तक कोई नहीं है, वेट मत करो। सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो इसको, खुद को हील करो, आपको हीलिंग की जरूरत है। और जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, जो लाइफ आप चाहते हो वो मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका अभी रिलेशनशिप है जो कि अच्छा नहीं चल रहा, या फिर पहले रिलेशनशिप्स रहे हैं जो कि अच्छे नहीं चले हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी की वजह से रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आपने खुद अट्रैक्ट किए हैं। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि रीजन क्या होगा, मैं और सारे कार्ड्स निकाल कर देख सकती हूँ, लेकिन रीडिंग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मे बी आपके पेरेंट्स का रिश्ता अच्छा ना रहा हो, मे बी आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनसे आप मिलते जुलते हो उनके साथ ऐसा हो, मे बी आप काउंसलर हो और ऐसे ही लोगों से कनेक्ट होते हो जिनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जब हम उस माहौल में रहते हैं, तभी आपको बोला जाता है ना कि पॉजिटिव माहौल ढूंढो, पॉजिटिव लोगों से जुड़ो, पॉजिटिव चीजें सुनो, बोलो, देखो, राइट? यही होता है। हम इंटेंशनली वो अगर हम किसी निगेटिव माहौल में है ना, तो इंटेंशनली हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, वो हो जाता है क्योंकि हम उस माहौल में हैं। वैसे अगर हम पॉजिटिव माहौल में रहेंगे ना, तो
इंटेंशनली हम कुछ अट्रैक्ट नहीं करेंगे पॉजिटिव, वो हो जाएगा हमसे, ठीक है। तो ये हुआ है, अब ये मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, लेकिन वो एक लो एनर्जी हमेशा रही है आपके साथ फॉर सम रीजन। या तो आपके एंसेस्टर्स से जुड़ा कुछ होगा, कुछ है जो एक पैटर्न है जो चलता चला आ रहा है, आप चाहें तो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं। तो कहीं कुछ तो कनेक्टेड है, ये यूं ही नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ कनेक्टेड है। सो इसका ना आप वेट करना बंद करो और हीलिंग करो, हीलिंग करवाओ, और आपके अंदर की ये जो एनर्जीज है ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, इनको बैलेंस करने का सोचो और हील करने का सोचो। जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको एग्जैक्टली जैसे लोग आपके आसपास चाहिए ना, वैसे ही लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसा होगा। आपको फिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि ऐसे ही लोग मुझे क्यों मिलते हैं, क्योंकि मिलेंगे ही नहीं। ओके, तो पहले ये जानने की कोशिश करो। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो ना, आप बोलते हो मुझे फीवर है या मुझे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करवा के रिपोर्ट मेरे पास ले आओ, फिर दवाई हम दे देंगे। क्यों वो सीधा फीवर का दवाई आपको नहीं दे देते? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि ये फीवर फीवर ही है या ये फीवर किसी और वजह से आ रहा है, राइट। तो आपके केस में जो आपको फीवर लग रहा है ना, या फीवर की दवाइयां ले रहे हो, वो फीवर है ही नहीं, वो उसकी इसका जो जड़ है ना, वो कहीं कोई और है, कुछ और है, कहीं और से ये हो रहा है। तो आप अपनी पहले हीलिंग करो। अब इसके लिए आप किसी हीलर से मिल सकते हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हो अगर वो इजी है, या आप किसी सेंटर या ऐसे आश्रम वगैरह होते हैं ना, अगर आपके वहां पर कोई अच्छा आश्रम है जो मेडिटेशन योगा वगैरह ये सब कुछ अच्छे से करवाते हैं, तो उनसे प्रैक्टिस करवा सकते हो। ये सारी चीजें करो, इससे पहले आपकी हीलिंग होगी और उसके बाद जो आप चाहते हो वो खुद आपको मिलेगा। और अभी के लिए हाल फिलहाल में ये सोचो कि अगर मेरी लाइफ में कोई नहीं है, अगर मुझे कोई अभी प्यार नहीं कर रहा या प्यार करने वाला नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स मुझे समय दे रही है मेरे किसी ट्रॉमा पर काम करने के लिए। मे बी आपका ये खुद का नहीं है, आपकी फैमिली का है, ठीक है। तो उस पैटर्न को भी आपने तोड़ना है। ये कल सत्वेद सात्विकी की रीडिंग में भी आई थिंक ऐसे ही एक पाइल था, उसमें भी यही चीज थी। तो आपको इसे ब्रेक करना होगा। जैसे आप ब्रेक करोगे ना, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे जिनको सच में आपसे लगाव होगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।